और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाली मैं विश्व परिवर्तक आत्मा। जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करते व्रत लेते हैं, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। मैं आत्मा, मेरे सम्मुख परमपिता परम आत्मा स्वयं भगवान ईश्वर अनुभव कर रहे हैं। बिंदु रूप स्टार मिसल, मैं आत्मा स्वयं भगवान का बच्चा भगवान के जैसा अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। सुंदर चमकता हुआ स्टार भगवान के सम्मुख, भगवान के जैसा भगवान का बच्चा भगवान सारे विश्व का रचयिता। मैं बाप समान मास्टर विश्व रचयिता, मैं बाप समान विश्व परिवर्तक निरंतर परिवर्तन कर रहे हैं, स्वयं का परिवर्तन। मैं आत्मा शरीर नहीं, परिवर्तन संकल्पों में परिवर्तन अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। शरीर से न्यारी मैं आत्मा चमकता हुआ स्टार, मैं आत्मा मेरा मन, मन के संकल्पों का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, मेरी बुद्धि, बुद्धि देख रही है अन्य आत्माओं को, शरीरों को नहीं, तो बुद्धि का परिवर्तन। मेरे संस्कार, सारे पुराने संकल्प, पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नई दुनिया की रचना, तो अपने आप का परिवर्तन कर रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं भगवान की तरह भगवान का बच्चा चमकता हुआ सितारा स्टार, शरीर नहीं, क्योंकि स्वयं का परिवर्तन कर रहे हैं इसलिए मेरी वृत्ति का परिवर्तन। मैं स्टार चमकता हुआ सितारा, मेरी वृत्ति, क्योंकि वृत्ति का परिवर्तन इसलिए अनुभव कर रहे हैं वाइब्रेशन कंपन। मैं आत्मा मुझसे निकलते वाइब्रेशन मेरे शरीर में फैल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं शरीर में वाइब्रेशन कंपन बदलते जा रहे हैं, वाइब्रेशंस का परिवर्तन। मैं आत्मा मैं शरीर नहीं, और मुझसे निकलते वाइब्रेशन मेरे आसपास फैल रहे हैं, वायुमंडल में फैल रहे हैं, वायुमंडल में प्रकंपन वाइब्रेशंस फैलते हुए वायुमंडल का परिवर्तन। इस वायुमंडल में जो भी आत्माएं आ रही हैं, उन आत्माओं में ये प्रकंपन वाइब्रेशन आपे ही प्रवाहित हो रहे हैं। जो भी आत्माएं इस वायुमंडल में आ रही हैं,
उन आत्माओं को आत्मिक स्थिति का अनुभव, आत्माओं का परिवर्तन हो रहा है, तो मैं आत्मा स्वयं का परिवर्तन और मेरे परिवर्तन से मेरी वृत्ति का परिवर्तन, मेरी वृत्ति के परिवर्तन से मुझसे निकलती वाइब्रेशंस का परिवर्तन, इसलिए वायुमंडल का परिवर्तन, मेरी वृत्ति से मेरी दृष्टि बन रही है, दृष्टि में देख रहे हैं, समस्त आत्माओं को देख रहे हैं। पहले दृष्टि देख रही थी शरीरों को, क्योंकि वृत्ति बदल गई मैं आत्मा, इसलिए दृष्टि बदल गई मैं आत्मा, और देखने के लिए समस्त आत्माएं दिखाई दे रही हैं। मेरी दृष्टि का परिवर्तन, क्योंकि दृष्टि बदल गई इसलिए मेरी वाणी बदल गई, वाणी का परिवर्तन। मेरी कृति बदल गई, कृति का परिवर्तन, तो स्वयं का परिवर्तन, फिर वृत्ति का परिवर्तन, फिर दृष्टि का परिवर्तन, वाणी का परिवर्तन, कृति का परिवर्तन, वाइब्रेशंस का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन। मेरे परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन, तो श्रेष्ठ वृत्ति। मैं स्वयं भगवान का बच्चा, भगवान के समान श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ वृत्ति धारण करके, इसलिए मन में कोई कमजोरी नहीं, कोई पुराने संकल्प नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, क्योंकि अब श्रेष्ठ वृत्ति, इसलिए श्रेष्ठ संकल्प, मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ व्रत, और इसलिए दृष्टि बदल गई तो सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आ रही है, तो बदल रहे हैं स्वयं को, स्वयं का परिवर्तन, वृत्ति का परिवर्तन, दृष्टि का परिवर्तन, कृति का परिवर्तन, वाणी का परिवर्तन, वाइब्रेशंस का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन, अन्य आत्माएं परिवर्तन हो रही हैं, और इसलिए सृष्टि भी परिवर्तन हो रही है, तो सारे विश्व का परिवर्तन हो रहा है। श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाली मैं विश्व परिवर्तक आत्मा। ओम।